नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सबसे फर्स्ट एसी वोल्टेज कंट्रोलर का डिस्कशन करेंगे। और जो फर्स्ट एसी वोल्टेज कंट्रोलर है वो है सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ आर लोड। यहाँ एसी वोल्टेज कंट्रोलर हम बच्चों हाफ वेव के रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं और फुल वेव के रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं। तो आइए कुछ बेसिक डायग्राम्स में आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि जब मैं एसी वोल्टेज कंट्रोलर लूंगा यानी फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ थायरिस्टर्स के ही कॉम्बिनेशन होने चाहिए। जैसे आप इन चार डायग्राम को देख सकते हैं, इन चारों डायग्राम में सबसे पहले मैंने बाय डायरेक्शनल यानी फुल वेव का डिस्कशन किया है और फुल वेव में मैंने पेयर ऑफ थायरिस्टर्स एक साथ लिया है T1 एंड T2। बच्चों सेकेंड डायग्राम जो देख पा रहे हैं फिगर बी में, यहाँ पे सेम वही डायग्राम है लेकिन यहाँ T1 T2 को फर्स्ट डायग्राम में मैंने गेट पल्स की फायरिंग शो नहीं करी है लेकिन यहाँ हम ट्रिगर सोर्स शो कर रहे हैं बी डायग्राम में कि कैसे हम गेट पल्स के थ्रू उसको फायरिंग कर रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसी थायरिस्टर फैमिली के अनदर एलिमेंट को ले सकता हूँ, जैसे आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन होता है ट्रैक। तो जहां जहां मैं थायरिस्टर ले रहा हूँ आप चाहे तो ट्रैक ले लेंगे। ट्रैक लेंगे बच्चों तो बेनिफिट यही मिलेगा कि आपको दो पेयर ऑफ थायरिस्टर्स के जगह पे दो पेयर ऑफ थायरिस्टर्स को एंटी पैरेलल कनेक्ट करके शो करना होगा, जो हमने फिगर बी में शो किया है। और जब दो थायरिस्टर एक दूसरे से एंटी पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैक। तो जो फिगर सी है, फिगर बी और फिगर सी, ये कहीं ना कहीं ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप चाहें तो दो अलग अलग थायरिस्टर्स को एक दूसरे से एंटी पैरेलल ना कनेक्ट करके सिंपल आप ट्रैक सर्किट ले लेंगे, जहां पे एक बार पॉजिटिव साइकिल में एक थायरिस्टर काम करेगा और नेगेटिव में अनदर। इसका ऑलरेडी हम डिटेल्ड वीडियो यूनिट 1 में रेक्टिफायर सर्किट से पहले बना चुके हैं। बच्चों दूसरा ऑप्शन ये है जो आप फिगर डी में देख रहे हैं कि हम सिंगल थायरिस्टर लें और एक ब्रिज डायोड के बीच में हम उसको कंबाइंड करें। जब डायोड अनबैलेंस होगा तो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो ये चारों डायग्राम एक सिंपल सा स्कीमेटिक डायग्राम था जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हम सिंगल फेज थायरिस्टर एसी वोल्टेज कंट्रोलर को प्रीफर करते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस को हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल थायरिस्टर हम यूज करें या फिर हम ट्रैक सर्किट यूज करें। आइए मैं तो आपको थायरिस्टर सर्किट को लेकर ही इस वेवफॉर्म को, इस सर्किट के एनालिसिस को समझाता हूँ। यहाँ हम सबसे पहले सिंगल फेज फुल वेव यानी बाय डायरेक्शनल एसी वोल्टेज कंट्रोलर का डिस्कस करेंगे। बच्चों सप्लाई वोल्टेज कितना है, Vs, Vs की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, दैट इज Vm sin ओमेगा t। दो थायरिस्टर्स T1 एंड T2 एक दूसरे के एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। T1 के अक्रॉस गेट पल्स, T2 के अक्रॉस गेट पल्स सब कनेक्ट कर देंगे। T1 के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज VT1, T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज VT2। सिमिलरली जो सप्लाई से करंट आ रहा है वो IS और वही करंट लोड में जा रहा है I0। लोड कैसे लिया बच्चों, आसानी से समझ में है। सबसे पहले R लोड लिया, फिर हम RL लोड का चर्चा करेंगे। रेसिस्टिव लोड है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज मुझे मिल रहा है दैट इज V0। ये एक सिंपल सा स्कीमेटिक डायग्राम था, इसी डायग्राम को हम यूज करके इसका वेवफॉर्म डेवलप करेंगे और साथ में इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो आइए बच्चों अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं और साथ में वेवफॉर्म भी डेवलप करते हैं। यानी सबसे पहले मेरे पास दो पॉसिबिलिटी यहाँ क्रिएट होगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि जब मेरे सप्लाई वोल्टेज का पॉजिटिव साइकिल होगा। आप इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैंने इसको प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में भी लाइटली डिस्कस किया था। तो बच्चों जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो इन दोनों थायरिस्टर्स में से एक थायरिस्टर एक बार काम करेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। तो आप ही मुझे बताएंगे जब प्लस और माइनस सिग्नल हो गया यानी पॉजिटिव साइकिल होगी तो T1 काम करेगा या T2। सही बोला आपने, T1 फॉरवर्ड बायस होगा, T2 रिवर्स बायस होगा। इसीलिए जब भी पॉजिटिव साइकिल होगा तो T1 काम करेगा और जब भी नेगेटिव साइकिल होगा तो T2 काम करेगा। आप वेवफॉर्म में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि T1 हमेशा ऑड साइकिल के लिए काम कर रहा है पॉजिटिव के लिए और T2 हमेशा इवन साइकिल यानी नेगेटिव के लिए कंडक्ट कर रहा है। अब बच्चों दोनों थायरिस्टर है, कंट्रोल्ड स्विच है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि कंट्रोल्ड स्विच में मैं क्या कर सकता हूँ, फायरिंग कर सकता हूँ। जैसे मैंने पॉजिटिव साइकिल में अल्फा एंगल पे फायरिंग किया, अल्फा एंगल पे फायरिंग करते ही जो सप्लाई वोल्टेज होगा वही का वही लोड का क्रॉस अपीयर होगा क्योंकि यहाँ रेसिस्टिव लोड है तो सेम फेज में वो काम करेगा। तो आप वेवफॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि कैसे वेवफॉर्म में आपका जो सप्लाई वोल्टेज है उसी का रेप्लिका आपके आउटपुट वोल्टेज में दिख रहा है, दैट इज V0।
पॉजिटिव साइकिल के लिए T1, T1 के लिए फायरिंग लिया अल्फा, तो जीरो से लेके अल्फा तक मेरा आउटपुट जीरो रहा वोल्टेज का, अल्फा से लेके पाई तक मुझे आउटपुट मिला, और फिर से पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक मैं T2 को फायरिंग करूंगा, और पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक मेरा T2 कंडक्ट करेगा, और आगे कंटिन्यूसली फिर से बच्चो 2 पाई प्लस अल्फा से T1 और 3 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई प्लस अल्फा से T2 कंडक्ट करेगा। करंट का वेवफॉर्म भी बच्चों सेम वैसा ही बनेगा जैसे वोल्टेज का, क्योंकि रेसिस्टिव लोड है तो स्वाभाविक है दोनों एक ही फेज में काम करते हैं, तो करंट वैसा ही बनेगा, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, क्योंकि करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन लोड यानी रेसिस्टिव लोड है तो वी नॉट अपॉन आर। अब VT1 और VT2 के वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे बच्चों? तो जब मेरा थायरिस्टर T1 ऑन रहेगा उस कंडीशन में उसका क्रॉस वोल्टेज जीरो होगा, लेकिन जब थायरिस्टर मेरा ऑफ रहेगा तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा वही वोल्टेज अपीयर होगा। जैसे जीरो से लेके अल्फा तक आप मान के चलिए थायरिस्टर T1 ऑफ था, तो उस अल्फा जीरो से लेके अल्फा तक में मुझे VT1 वोल्टेज मिला, और वो VT1 वोल्टेज वही वोल्टेज का पार्ट है जो कि आउटपुट में यानी V0 पे मिसिंग है। सिमिलरली बच्चों आप देख रहे होंगे कि वापस फिर से T2 यानी अल्फा से लेके पाई तक मेरा T1 कंडक्ट कर रहा है, तो अल्फा से लेके पाई तक T1 की वैल्यू जीरो है यानी वोल्टेज जीरो है उसके अक्रॉस वोल्टेज, लेकिन अल्फा से लेके पाई तक T2 का अक्रॉस वोल्टेज आपको मिल रहा है, तो आप देखिए VT2 के वेवफॉर्म में आपको अल्फा से लेके पाई तक का आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरीके से आप आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। जब T1 कंडक्ट करेगा तो T1 का अक्रॉस वोल्टेज जीरो मिलेगा, जब T2 कंडक्ट करेगा तो T2 का अक्रॉस वोल्टेज जीरो मिलेगा। अब बच्चों इस सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म के साथ साथ मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल एनालिसिस में हम एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, सिमिलरली एवरेज वोल्टेज और आरएमएस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों एवरेज वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, एवरेज करंट, आरएमएस करंट का कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने वर्किंग प्रिंसिपल समझाते समय यानी प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल समझाते समय कर दिया है। आई होप वहां क्लियर होगा आपको। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।